स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल राम राम जी में। हरे कृष्णा राधे राधे। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है और पूर्णिमा तिथि हर महीने का आखिरी दिन होता है। इस दिन व्रत रखकर स्नान दान का और भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करने का और सत्यनारायण व्रत रखने का भी विधान है। भविष्य पुराण के अनुसार पूर्णिमा के दिन किसी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं। पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि वैशाख पूर्णिमा होती है। इस दिन पूर्णिमा का उपवास रखा जाता है, स्नान और दान किया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस बार वैशाख पूर्णिमा व्रत और स्नान दान एक ही दिन है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वैशाख पूर्णिमा का व्रत इस बार कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, स्नान और दान कब किया जाएगा, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है तभी उपवास पूरा होता है, तो चंद्रोदय का समय इस दिन क्या रहेगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 22 मई बुधवार की शाम 6:49 से और समाप्त होगी 23 मई गुरुवार की शाम 7:22 पर। ऐसे में इस बार 23 मई गुरुवार के दिन ही पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ और व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। आइए पहले जान लेते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 23 मई गुरुवार को सूर्योदय होगा 5:46 पर। सूर्यास्त होगा 7:00। ब्रह्म मुहूर्त 4:10 से 4:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:57 से 12:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा का पाठ करना उत्तम रहता है और स्नान के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन परिग योग बन रहा है जो कि 12:12 तक रहेगा और उसके बाद में शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल 1:30 से 3:00 तक रहेगा। राहु काल के समय में कोई भी शुभ या नया काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इस मुहूर्त को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय होगा 7:05 पर। शाम को चंद्र देवता की पूजा इस समय के बाद से आप कभी भी कर सकते हैं और अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर गंगा जी में स्नान करना संभव नहीं हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। ऐसा करने से तन और मन शुद्ध होते हैं और सभी पाप भी मिट जाते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जिस घर में साफ सफाई होती है वहीं पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन शाम को चंद्र उदय होने पर दूध में अक्षत और शक्कर मिलाकर चंद्र देवता को अर्घ्य जरूर दें। ऐसा करने से मानसिक तनाव और कष्ट दूर हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन भी मधुर होता है। आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं, फिर मां लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए मन ही मन अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव का कच्चे दूध में अक्षत और शक्कर मिलाकर अभिषेक करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है, सभी दुखों का नाश भी हो जाता है। वैशाख मास को सभी मासों में सबसे उत्तम मास कहा गया है, इसलिए इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ करने के बाद दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इस दिन आप मीठे शरबत का, अनाज का, सत्तू का दान दे सकते हैं। आप पंखे, छतरी, जूते चप्पल या फिर पानी से भरे मटके का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज जी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा पर अन्न और जल का दान जरूर करना चाहिए क्योंकि ये दान सोना, चांदी, हाथी और घोड़े के दान से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अन्न और जल दान करने से मनुष्य, देवता और पितर सभी को तृप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कन्यादान को भी इन सभी के बराबर माना गया है।
पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय और चंद्र देवता की पूजा करते समय ओम श्राम श्रीम श्रौं स चंद्रम से नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। सभी पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन सुबह सूर्योदय के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और शाम के समय दीप जलाएं और सुबह जल अर्पित करने के बाद 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक समस्याएं दूर होकर पितर दोष भी दूर होता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करके गंगाजल से स्नान करने के बाद भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण के साथ ही अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।